अभी 7 बजे राधा कुंड वाली परिक्रमा में जाएंगे। टुडे वी विल गो जस्ट आफ्टर 7 टू राधा कुंड परिक्रमा। फ्रॉम हियर वी विल गो टू दान घाटी एंड वी विल क्रॉस द रोड एंड वी गो टू फर्स्ट वी विल गो टू उद्धव कुंड। The pastimes of Uddhava Kund will be told there, and after that we will go to Radha Kund and Shyam Kund. We can take bath there, and after doing worshipping there and telling some Harikatha there, and then we will come to the place where Annakoot will take place. A devotee of Mathura is preparing for Annakoot there, so that we will come doing parikrama of Radha Kund, Shyam Kund to that place, and finishing our Annakoot there, then again return to this place, and in the evening as usual we will do Deepavali there, and tomorrow in the very morning at just 5 we will go to Barsana Nandagaon and Kamevan, and from Kamevan we will return to Barsana. There we will live 4 days. Before 5 you at 3 will have to come 4 o'clock. आप लोग 5 बजे एकदम प्रस्तुत हो जाएंगे कल। सामान इत्यादि बांध करके बाहर में रखना पड़ेगा, और रास्ते में हम लोगों का ना कीर्तन उतन होगा या बरसाने नंद वहाँ आने वाले। हर्ड अबाउट, हम लोगों ने सुना है कि 8 याम की का भजन होता है, कृष्ण की लीलाएं अष्टकालीय हैं। वी हैव हर्ड दैट द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण आर ऑफ 8 याम, 8 टाइम। फर्स्ट इज निशांत लीला, पहला यह निशांत लीला है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन रहस्य में 8 समय में इन लीलाओं के अनुगत्य में कैसे भजन करना चाहिए यह बताया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर है रिटन ए बुक भजन रहस्य, एंड इन दैट बुक द हिडन थिंग the secret bhajan that a guru gives to his disciple is given there. How we should begin our bhajan, how we can be matured, everything we want has been given in that book. He tells that वो कहते हैं भगवान का नाम तो सच्चिदानंद है, श्लोक का नाम 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 चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनंदन नाम। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, उनके परिकर, उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी क्रिया और उनके जितने एसोसिएट्स हैं, परिकर हैं, सभी सच्चिदानंद। हम अभी बद्ध जीव हैं, हमारा मुख, हमारी जीभ, हमारा कान, हमारी सारी इंद्रियां ये जड़ हैं। कृष्ण इज सच्चिदानंद, हिज ऑल द एसोसिएट्स, हिज नेम, हिज क्वालिटीज, हिज एवरीथिंग, हिज धाम, अबाउट एवरीथिंग इज सच्चिदानंद।
अभिनत्वान नामिनम स्पेशली द नेम ऑफ कृष्ण इस सच्चिदानंद पूर्ण शुद्ध पूर्ण मुक्त नॉट ए स्मेल ऑफ माया इन ऑल दीज थिंग्स। कभी इसमें कोई माया का गंध नहीं है, जितने ना ये गोवर्धन गिरिराज जी को ऐसे ही समझिए, भगवान का नाम भी ऐसे ही है। और वी आर सिंकिंग इन द ओशन ऑफ माया और बॉडी अवर टन और आईज योर लेग्स फेस योर माइंड ऑल इंद्रियाज और ऑल माइक और आत्मा इज हिडन इन दिस थिंग एंड ऑल्सो इट इज मिक्सड विथ देम। वी आर नॉट वी कैनॉट डिफरेंशिएट नाउ व्हाट इज आत्मा व्हाट इज माइंड व्हाट इज बॉडी। Big thing that this gross body is myself. तो इसमें रहते हुए माया जगत में रहते हुए कृष्ण का शुद्ध नाम उनके लीलाओं का चिंतन उनके गुणों का चिंतन उनके परिकरों का चिंतन कैसे कर सकते हैं। हमारी जीभ शुद्ध नाम नहीं ले सकती, हमारी आंख ठीक से गिरिराज गोवर्धन को यहां पर रहने पर भी नहीं देख सकती, ब्रजभूमि को नहीं देख सकती, हमारी इंद्रियां उसको स्पर्श नहीं कर सकती, तो फिर कृष्ण का भजन कैसे होगा जो सच्चिदानंदमय है। इफ आवर ऑल ऑर्गन्स मेटेरियल आवर आई अवर टन और माइंड एवरीथिंग इज मेटेरियल देन हाउ कैन और आई कैन सी कृष्ण और कृष्ण धाम कृष्ण नेम कृष्ण रूप शेप एवरीथिंग हाउ वी कैनॉट वॉक ऑन द ब्रजभूमि वी कैनॉट टच इवन बाई अवर फीट वी कैनॉट टच बाई अवर हैंड गिरिराज गोवर्धन एनीथिंग बिकॉज ऑल आर मेटेरियल एंड आत्मा इज बेंडेड एंड कवर्ड विथ ऑल दिस माया। How it will be done? कैसे ये बड़ा भारी प्रश्न है, कैसे होगा। यही कारण है कि हम लोग इसमें रुचि नहीं हो रहती। That is why we have no test in Krishna name, in Harikatha and all the other things. Then Srila Bhakti Vinod Thakur is telling in the explanation of Shikshastra. Oh, it may be. Don't be hopeless. आप लोग होपलेस मत होइए, जरूर होगा। देर इज सम शॉर्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन देर इज सम प्रक्रिया है प्रक्रिया प्रोसेस देर इज अ प्रोसेस डिस्कवर्ड बाई ब्रह्मा डिस्कवर्ड बाई नारद डिस्कवर्ड बाई व्यास सुखदेव गोस्वामी देर ऑल चिन्मय ये सभी चिन्मय थे। ब्रह्मा ही डिस्कवर्ड दिस बाय द ग्रेस ऑफ नारायण और कृष्ण ही वॉज थिंकिंग एंड थिंकिंग लैक्स लैक ईयर्स वेंट ऑन ही केम आउट फ्रॉम द नाभि कमल ऑफ गर्भोदशायु एंड ही वॉज थिंकिंग हाउ दिस कृष्ण नेम कृष्ण शेप एंड ऑल द अदर थिंग वी कैन टच बाई आवर आईज आवर हार्ट हाउ कैन वी कैन प्योरिफाई इट। थ्री टाइम्स ही सैट ऑन समाधि ही ट्राइड थ्री टाइम्स टू नो ऑल दिस थिंग एट लास्ट कृष्ण अपियर्ड इन हिज हार्ट और नारायण अपियर्ड इन हिज हार्ट एंड इंस्पायर्ड हिम हाउ वी कैन सी हाउ यू कैन रियलाइज हाउ वी कैन नो एंड हाउ वी कैन चैंट द सच्चिदानंद नेम ऑफ सच्चिदानंद कृष्ण कैसे हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग अच्छी तरह से
गुरु वैष्णव के मुख से शिक्षास्त्र का यदि हम लोग श्रवण करें तो इस प्रक्रिया को हम लोग जान सकते हैं। भजन की उन्होंने बतलाया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर के हम लोग अनुग्रहित हैं, उनकी विशेष कृपा है। वो यदि जगत में नहीं आते, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी नहीं आते, हम लोग के गुरु जी नहीं आते, तो वो सब चीजें हमारे पास में नहीं आती। विदाउट द मर्सी ऑफ श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, अवर गुरु जी एंड योर्स ऑल्सो स्वामी महाराज, इफ देयर मर्सी वॉज नॉट देयर, We cannot come in this night. So, वो बतला रहे हैं कि देखो, I am telling this process. You should try to follow, but in the guidance of bona fide Vaishnavas. एक बात और है इसमें विशेष, कोई चीज अनुभूति के बाद ही करेंगे, अनुभूति के पहले नहीं करेंगे, यह एब्सर्ड है। इट इज क्वाइट एब्सर्ड दैट व्हाट आई विल रियलाइज एंड देन आई विल टेल, इट इज नॉट प्रोसेस। विल हैव टू डिपेंड ऑन शास्त्र एंड गुरु एंड वैष्णव। इट इज वेरी हार्ड, इन लैक्स बर्थ वी कैन नॉट रियलाइज ऑल व्हाट इज नेम, what is the Krishna shape, what is his attributes, and what is his parikars, associates. We cannot realize. So we'll have to first depend on the Shastra. And all Shastra, Srimad Bhagavata is superior. Chaitanya Mahaprabhu teaching, on that we can do some nirbhar rah sakte hain. Depend. We can depend on that. Otherwise, we will try to realize and then I will tell anything. You cannot realize. Harinam chinta mani hai, aapko kaise aapne realize kiya jo kah rahe hain? Ye galat baat. It cannot be. Because our disciplic acharyas have told like so. Srimad Bhagavati is telling. Chaitanya Mahaprabhu himself coming and telling all these things. So we'll have to believe, very strong belief on that. Jai Shraddha. Jai Shraddha. And that is called Shraddha. This Shraddha is the bhajan of first Nishanta Leela. To have a guru, bona fide guru, to have select a Vaishnava, and I think that we must pray to Krishna that he should arrange any bona fide guru and Vaishnava association. Without his mercy, we cannot have, with our own labor effort, we cannot. So if you pray, Krishna will hear, he is always. And we are innocent and we are saranagat, and we are sincere, then he will surely hear. And he will arrange for this Nishanta Bhajan. How this Shraddha will come? So, having so much offenses, so much anarth, no good association, but praying to Krishna, he will arrange good bona fide guru. Otherwise, we cannot have bona fide guru without his mercy. So, we should pray like that. Having so much offenses, having so much anarths, always sinking in so many sins and all other things, it is very hard to do bhajan. But if you have that Shraddha,
That is called the seed of bhakti. But you should know what is the seed of bhakti. The seed of bhakti is Krishna Seva Vasana. To serve Krishna, desire to serve Krishna is the seed of bhakti, lata. And Shraddha is his external symptom. His symptom, one of the symptoms. So Guru gives this thing. If you will serve Krishna, your life will be successful and you can do everything. So, Shraddha Shabda Vishwas Kaya Sudhina Nishchaya Krishna Bhakti Kaya Sarva Karma Krishna. If anyone takes a sankalp, taking vow, that I will serve Krishna, my Gurudev has told, and by doing so, all kinds of sins, problems and everything goes away and bhakti comes, premamayi bhakti comes. So I cannot forget this. Main ise chhod nahi dunga, khand khand jadi hoi jaye pran, tabo ami badane na chhadi harina. If anyone, like Kaji of Navadvip, will tell that you cannot take Harinam, we cannot do bhakti, you cannot worship Krishna. But yet he will tell that I'll cut you in pieces and pieces, lakhs and lakhs pieces. No harm. It is called Shraddha. When this vasana of serving Krishna comes, then if it is there, then we will have to believe from Shastra. Guru Shastra Vaishnavatra. Chitte te kariya aikya. Aar na kariha mane asha. We will have to depend on Shastra, Guru and Vaishnavatra. Very strong belief should be there. It may be that at times there may be so many offenses, anartha, no harm, they will go away by hearing Harikatha in the association of Vaishnavas. I request Tibhikam Maharaj that he was telling yesterday that we should know the glory of Harinam. So I am requesting him. Yeah.
बाबा हमें 5 रुपया लिया। अच्छा लियो
जाने के पश्चात तुम्हें कुछ दिन तक रहना होगा। इस धरती में रह करके भाव धर्म का प्रचार करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जिस दिन जिस समय चला जाऊंगा उसी समय से ही कलिकाल प्रबल रूप से प्रभावित होगा और उसके प्रभाव से सारा समस्त संसार अंधकों का दर्शन कराया था, सब कुछ बताया था। इसलिए उद्धव जी, उत्तरा और वशिष्ठ आये, शांतिल आदि ऋषि लोग आए, उन सब के द्वारा उन्होंने ब्रजमंडल के समस्त स्थानों का प्रकाशित किया। जिस समय उद्धव जी यहाँ आए उस समय प्रेमावेश में विरह में व्याकुल होकर के नित्य कीर्तन करना शुरू कर दिया। उनके कीर्तन में समस्त देवतालोग यहाँ उपस्थित हुए,
रक्षा परी का राधा कृष्ण यहाँ प्रकट हो गए, जो कि उद्धव जी ने प्रार्थना की थी कि आसाम हो जानो रेणु जिसाव हम श्याम वृंदावन किम अपनी गुरु मलत सधिनाम जहाँ दुस्तज सजन आर्य पथंत हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीन श्रुत भीर वीर विज्ञा। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि उद्धव कुंड उधर में मानसी कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के भी उद्धव जिनके अंदर कोई तमो भाव रजोगुण इत्यादि नहीं अथवा बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धे बृहस्पति साथ साथ उद्धवो बुद्धि सप्तमो बृहस्पति के जो शिष्य बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ पात्र कृष्ण ने जा मथुरा में छत के ऊपर चढ़ करके देखा कि निकट में जमुना जी बह रही है, जमुना कलकल धारा से बह रही है, जमुना का उत्तल तरंग प्रवाह देख करके कृष्ण के मन में समस्त प्रेम की स्मृति उमर आई। उस समय अझोर नेत्र से कृष्ण रोने लगे, विरह व्याकुल होकर के जब रो रहे थे ऐसे समय उद्धव जी उनके सामने उपस्थित हुए। उनको पा करके कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ करके कहा गच्छ उद्धव प्रियम सौम तुम ब्रज में जाओ, ब्रजवासियों को सांत्वना दो, पितृणाम प्रतिमा हो पिता माता मेरे बल्लभ आए जो मेरे गोपियां हैं वे कथम जन प्राणाम धारे किसी तरह से बड़े कष्ट से प्राणों को धारण करते मैं आऊंगा। आयास से इतनी दोस्त गई मैंने बार बार शपथ दिया था कि मैं आऊंगा 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 परंतु अभी तक जा नहीं सका। मेरे आने के बातों से निश्चय करके केवल मात्र कष्ट से प्राण धारण कर दी। इसलिए हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ उन लोगों को मेरा कुछ संदेश देकर के आना। इस प्रकार कृष्ण ने उद्धव जी को बार बार समझाया, बार बार कोई बातों को सुनाया कि इन इन बातों को गोपियों से कहना। कृष्ण बहुत दूर तक आगवानी करते हुए चलते चलते कृष्ण ने उद्धव जी को बार बार कहते हुए भेजा ब्रज में। उद्धव जी सोच रहे हैं हम कृष्ण को छोड़ करके जाए कैसे, और वहाँ किसी के घर में कोई रसोई नहीं बनी, 3 महीने तक अन्न जल परित्याग किए हुए समस्त ब्रजवासी जन जो जहाँ है वैसे पड़े किए, नंद बाबा के घर में झाड़ू भी नहीं लगा न कि कोई भोजन बना है। नंद बाबा यशोदा माँ एक निश्चय कर लिया जब कृष्ण आएंगे तब उनको भोजन कराएंगे जब खाएंगे। ब्रज गोपी गोपियों के हृदपिंड लेने के लिए यहाँ आया, ऐसी बातें जब सुनी तो उद्धव जी को बड़ा धक्का लगा कि ऐसी बातें आज तक जीवन में कभी सुनाई नहीं, न किसी शास्त्र ने न बृहस्पति ने हमें सुनाया, ऐसी में अब क्या करें। हे दई तो अब आपके बिना हृदय तो अतिशय रूप में कातर बुद्धि भ्रमित हो रही, अब क्या करूं कोई उपाय नहीं। ऐसा कह करके मुझे गोकुलाम ब्रजनार नवाद हे रमानाथ हे राधानाथ आज ब्रज तुम्हारे विरह में अतिशय अंधकार में डूब गया है। इन इस फर्स्ट विजिट टू ब्रज वेल Krishna said, asked Uddhav to go to Braj. Uddhav did not want to leave Krishna. He was not ready to have that much separation also. He was so much attached to Krishna. But in order to execute service given to him by Lord Krishna, he was ready for that. He was so far only interested in the pleasure of Milan. But when he went to Braj and he found that the another part of love is virhe also, there he saw the extreme state of virhe, vipralamba. He went to Yashoda Ma and Nanda Baba.
यशोदा नेवर
हम लोग अभी सर्वाराध्य ब्रजमंडल में सबसे श्रेष्ठ स्थान गोवर्धन के अंतर्गत ब्रजभूमि के प्राण स्वरूप श्री राधा कुंड के अंतर्गत कुंज बिहारी गौड़ीय मठ से उपस्थित में नाम रही इन गोवर्धन एरिया द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल ब्रजमंडल श्री राधा कुंड एंड हियर इन मठ श्री कुंज गौड़ीय कुंज बिहारी गौड़ीय मठ एस्टैब्लिश बाई नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिशुन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ऑल होज एसोसिएट इन राधा
and he did so many present of parikrama on phone, you know. Here he told that I came to this world, main is jagat mein aaya tha Sri Chaitanya Mahaprabhu ji ke monobhisht Krishna prem dene ke liye. I have come here to give the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, teachings of Mahaprabhu. For this he come here. Especially Anarpit Charin Chirat Karunaya Avatirna. But I have to cut मुझे मायावाद का जंगल साजी आशफी भेकी स्मार्ट जात गोस्वामी इनके जंगल को काटने में मेरा समय चला गया. जब तक मायावाद जगत में रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार होना बड़ा भारी कठिन है. भक्ति मार्ग में मायावाद सबसे प्रचारक में बहुत कठिनता है और विशेष करके उसे भी बड़ा भारी खतरनाक है सहजियाबाद. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लांट श्री भक्ति देवी इन द जंगल ऑफ मायावाद, वेरी हॉट. अनलेस इट इज कट नो भक्ति विल कम. ऑल्सो वन थिंग मोर, सहजियाबाद लाइक मायावाद आई एम ललिता विशाखा and this sakhi, that sakhi is also more dangerous than mayavad for us. इसलिए हमको इस सबसे सावधान होना है. Especially nowadays, some sadhyabad is going on. Sadhyabad का प्रबल प्रताप यहाँ पर देखा जा रहा है. जो लोग भक्ति में प्रवेश नहीं भी नहीं किए हैं, नहीं जानते कि भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है, निष्ठा क्या है, ये कुछ नहीं जानते. जैसे जंगल से बजा करके आते हैं लोग और उनको साथ ही साथ में गोपी भाव देना, ये सहजिया भाव है. बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे हम लोगों को बचना चाहिए. Those that don't know anything, ABCD of bhakti line, even they don't know what is saddha, what is nishtha, what is anartha and what is offenses, they don't know anything. But they dig. Take gopi bhav. This is more dangerous than mayavad. Because they are bhakti jaise dikhte hain, mayavad to hum dekhte hain ki wo ghor virodhi hai, isliye dur ho jate hain usse. किंतु हम समझते हैं कि यही भक्ति शायद है, इसलिए बहुत से लोग इसके चंगुल में पड़ जाते हैं. इसलिए हम लोगों को इससे बहुत सावधान रहना है. इसलिए पहले हमारे अंदर में निष्ठा आए, इसके बाद में अनर्थ निवृत्ति हो, निवृत्त होने के बाद में निष्ठा आए, रुचि आए, आसक्ति आए, कुछ समझे. जबकि हरि कथा सुनते सुनते श्रीमद भागवत चैतन्य चैतन्य इत्यादि, वो भी बोनाफाइड गुरु से यदि हम लोग सुन सके. इसके बाद में यदि लोग हो, वो भी कोटि कोटि लोगों में से, कोटिश्वपी महामुने, वो लोग तब इसके अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते. ये चोड़े पाका सहजिया इत्यादि जैसे उनकी स्थिति होती है. आई थिंक दैट सहजियाबाद इज मोर डेंजरस देन मायावाद बिकॉज वी हेट मायावाद, वी नो व्हाट इज मायावाद, बट समटाइम्स वी आर डिसगाइडेड बाई दिस सहजियाबाद. Because it seems that, oh, it is prema bhakti life. Even not anartha has gone, but yet someone pretends to be like sakhis. But it should not be done. Anyhow, in our Gaudiya Math, in all books, even in Srimad Bhagavatam, it has been bought not to do so. But now in Radha Kund, in Vrindavan, some are doing like that. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami has established this mat, Sri Kunj Bihari Gaudiya Mat.
preach our whole world. He has established centers in the whole world, in Bengal, Bihar, and all other parts of India. Everywhere. इसलिए हम लोगों को इसे सावधान रह करके शुद्धा भक्ति का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जब यहाँ पर आए, परिक्रमा कर रहे थे, उस समय में उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा, रामचंद्र जी, be prepared। उन्होंने कहा कि देखो, बहुत से लोग आए हैं भजन करने के लिए, केवल यही नहीं समझ लिए कि वैद्य व्यक्ति हमारे जीवन का चरम उद्देश्य है, ये लम्ब मत समझ लें। हमारे समस्त साधन भजन का उद्देश्य रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की धूली होना है, इस चीज को समझे। हमारा उद्देश्य वही है, एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर भजन इज दैट। किंतु जब तक हम इसके लिए अधिकारी नहीं हो जाते हैं, तब तक हमको नीचे का अधिकार का पालन हमें करना चाहिए। इसलिए सभी समय जीवन में एक ही हम स्थान पर पड़े रहेंगे, विल ऑलवेज इन द सेम लेवल, सेम स्टेप इन बीच वेयर एट फर्स्ट इट इज नॉट गुड। ऐसा नहीं कि हम एक ही श्रेणी में, जब हम आए थे हजार वर्ष पहले भी, आज भी वही, और जगत में कोई होगा ही नहीं उसका अधिकारी। रूप गोस्वामी के और रघुनाथ दास गोस्वामी के विचारों के लिए कभी कोई अधिकारी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। उन लोगों ने लिखा है ऐसा कि हम लोग सभी उसके अधिकारी हैं, किंतु साधु संघ में रहते 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 यदि हमारा अधिकार होगा तो हम उस जगत में जाएंगे। इसलिए सब समय हमें इसी में पड़े रहेंगे, एकदम अनर्थ से सब समय भरे रहेंगे, कभी अनर्थ दूर नहीं हो जाएगा, कभी निष्ठा नहीं आएगी, और कभी भी हमको रुचि और किसी व्यक्ति को इस जगत में लोभ लालसा पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जरूर होगा। चैतन्य महाप्रभु के प्रियकरों के अनुगत में भजन करने से, चैतन्य चैतामित इत्यादि का श्रवण करने से, श्रीमद भागवत का श्रवण करने से अवश्य अवश्य होगा। ऐसा ही उन्होंने, यदि पशु पक्षी को वो किस पतंग को प्रेम दे सकते हैं तो हमारा अधिकार क्यों नहीं होगा। इसलिए डोंट बी होपलेस, जरूर होगा, किंतु अपक्व अवस्था में पक्व का अभिमान नहीं करना चाहिए। इस विषय में हम लोगों को सब समय सावधान रखना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक दैट वी हैव मैच्योर्ड, वी शुड फर्स्ट मैच्योर्ड। वी आर लिसन हरि कथा फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, ये सुडलेशन हरि कथा परम चैतन्य चैतामृत फ्रॉम एनी बोनाफाइड वैष्णव। डोंट हियर हरि कथा परम सहजिया। सो श्रील वी हैव कम टू दिस प्लेस ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, वी शुड पे रेस्पेक्ट हियर एंड देन वी विल गो टू राधा कुंड and we will do pranam and all of it. Our quality appears as bhakti, but in fact it ruins our bhakti. Where a person who does not know anything about bhakti, even any city of bhakti, that is, he doesn't know what is shraddha, he doesn't know what is nishtha, he doesn't know that what is anar. He is unable to become brahmachari, control his senses at all. He doesn't learn these things, but he starts doing bhajan, thinking himself as sakhi or gopi. It is very, very dangerous and injurious to our bhakti. But Prabhupada said, my personality bhakti, but our real advancement is never because of vaidhi bhakti. Vaidhi bhakti is not at all my aim. I wanted to the path given by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunatha Goswami. But unless the greed is arisen in us for the same, we have got no alternative but to stay at the position of vaidhi bhakti. But it does not mean that we should remain.
This stagnancy is never required in bhakti. When we start bhakti, when we learn shraddha, start doing gati bhakti, gradually we will improve, advance, and we will come in the path of Sri Rupa Goswami. We can come. And if we say that we cannot come, we will, Anand will not go from us, we will stay on this state forever. It is not possible for us. Sir. Sadhya Vaishnav asked us, there are some questions for us. वो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा सिद्ध नाम क्या है, सिद्ध स्वरूप क्या, सिद्ध देह क्या है तुम्हारा, तुम कौन कौन सा परिवार में आया है, ये सब पूछते हैं। और तुम लोग की गुरु परंपरा सिद्ध नहीं है, हमारी गुरु परंपरा सिद्ध है। और भी ऐसी बातें सब कहते हैं जिसका कोई मस्तक और माथा मुंड नहीं है जिसका। वी आर इन फैमिली ऑफ चैतन्य महाप्रभु। Bakreshwar Pandit, one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, whose shishya is Gopal Guru, he used to live here in this place, on the bank of Radha Kund. Bakreshwar Pandit. And he used to do bhajan here. Bakreshwar Pandit ki? Jai! Bakreshwar Pandit ki? Jai! Hare Krishna, Hare Krishna!
और सिख जन बैठ जाइए। गोस्वामी जब वो चैतन्य महाप्रभु जी पुरी में अपने अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए, इसके बाद में स्वरूप दामोदर जी, गदाधर पांडे और महाप्रभु के जितने भी परिकर थे वे सब लोग जब अप्रकट हो गए रघुनाथ गोस्वामी चेतन महाप्रभु जी सेपरेशन वो बहुत ही गृह में कांतर हो गए, वो गृह पर सह नहीं सके, केवल सो मच से इन सेपरेशन दैट ही वांटेड टू कम टू वृंदावन एंड वांटेड टू जंप अप इन जमुना और टू कम टू गोवर्धन एंड क्लाइंब ऑन दिस टॉप एंड वांटेड टू गिव अप हिज लाइफ देयर। जब यहां वृंदावन में आए स्वरूप सनातन जी से वो मिले, स्वरूप सनातन जी ने कहा कि मरने से भगवान नहीं मिलते हैं, साधन भजन करने से मिलते हैं। एनीवन कैन अटेंड सुप्रीम कृष्णा प्रेम भार्गव की प्रेम बाय गिविंग लाइफ ओनली, साधन भजन करने से भगवान मिलते हैं। इसलिए तुम हमारे छोटे भैया हो, यू आर माई यंगर ब्रदर, वी आर टेकिंग यू टू दिस राधा कुंड, हम आपको राधा कुंड में ले चलते हैं और वहीं प्रण करके अपना भजन कीजिए। यही प्रण करके भजन करते थे, अभी वाई डूइंग भजन संख्या पूर्वक नाम गान नदी का वाव शानी कृतौ निद्रहार विहार का विचितौ चातंत दीनौ च जौ राधा कृष्ण गुणेश प्रदे मधुर महंदे निसम्मोहित वंदे रूप सनातन रघु जुगौ श्री जीव। ऑल दे चैंटिंग देन नॉट लेस देन 1 lakh 2 lakh ऑल दे दिन सत्संग प्रणाम टू ऑल गोस्वामी ऑल दे पास्ट दिस। क्या हुआ, क्या जा रहा है, क्या है, क्या है, शांत हो जा। इस तरह से ये भजन करते थे यहाँ पर। उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड कोई कुंड नहीं था, उस समय एक खेत था, वहां पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से श्याम कुंड और राधा कुंड को भी प्रतिष्ठित किया। देयर वाज नो श्याम कुंड एंड राधा कुंड, ओनली अ वेरी लिटिल स्मॉल फील्ड कवर्ड विद वाटर, फिल्ड विद वाटर। चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर दिस इज श्याम कुंड एंड दिस इज राधा, एंड फर्स्ट इट वॉज नोन एज काली खेत एंड गौरी खेत मल्ली। एक साधु थे वैष्णव, वो वहां राधा कुंड वहां गए थे, कहा नहीं नहीं पत्रिकाश्रम कोई सेठ जी गए थे और उनको वहां पर स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया किंतु राधा कुंड और श्याम कुंड का आविष्कार कराओ, तुम जाओ रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में ये सारे रुपये उनको दे देना और उनसे कहना कि इस चीज को प्रकाश करें। मन से वेरी गुड पर्सन वेंट टू भद्रिकाश्रम एंड भद्रिकाश्रम नारायण गेव हिम इन ड्रीम told him, ordered him, go at once to Radha Kund, Shyam Kund, and you should give so much money to manifest this Radha Kund and Shyam Kund here. उन्होंने कहा कि तुम जाओ एक निष्किंचन अकिंचन परम वैष्णव
रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनको ये सारे रुपये दे देना और उनसे कहना जैसे जिसका प्रकाश करें। He asked Raghunath Das Goswami to take all the money and to dig the two ponds here, Radha Kund and Shyam Kund. He denied. उन्होंने कहा कि आज मैं रुपये पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। श्याम कुंड और राधा कुंड अपराधित धाम है, उनको कौन प्रकाशित कर सकता है? वो चिन्मय धाम है, सच्चिदानंद धाम है और गोलोक वृंदावन भी सबसे सर्वोत्तम राधा कुंड है। इसको बंधवा ने किया, प्रकाश करने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं लेता। तो ठाकुर जी स्वयं रघुनाथ दास को स्वप्न दिया, जो रुपया ले लो, साधारण लोग तुम लोगों के लिए जरूरत है कि साधारण लोगों के लिए राधा कुंड है, श्याम कुंड है, इसको प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसको ग्रहण कर लो और इसको बनवा दो। इसलिए उनके सामने से रुपये ले लिए और जब इसको चारों तरफ से बनवा दिया था तो राधा कुंड राधा जी बड़ी सरल सिद्धि है, उनका कुंड तो चारों तरफ से समानांतर सप्तभुज के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। किंतु कृष्ण जी बड़े वक्र हैं, त्रिभंग लगी हैं, उनका कुंड ऐसा होना बड़ा कठिन था, उनका स्वभाव नहीं छूट सकता ऐसा। श्रीमती राधिका ये सोच सिंपल स्टेज एंड वेरी कृष्ण इज रुकट फ्रॉम ऑल साइड, हिज आईज आर क्रूकेड, हिज माउथ इज क्रूकेड, हिज मदर इज क्रूकेड, हिज वृंदावन इज क्रूकेड, हिज बंसी इज क्रूकेड, हिज एवरीथिंग इज क्रूकेड, हाउ कृष्ण कैन बी नॉन क्रूकेड? वो कैसे सीधे हो सकते हैं? राधा कुंड के हो जाने के बाद में जब वो सीधा कुंड कृष्ण कुंड को भी सीधा बनाने लगे, when he began to make Srimad Radha Krishna Kund in four square rectangular, then at once Yudhishthi, Bhim, Arjun, Nakulsade, Draupadi came at once in his dream and prayed that we are being a tree, 5 feet, 6 feet here, we are doing austerities and doing aradhana of Radha Kund and Shyam Kund, just as Jitu Radha Kund and Srimati Radhika. So don't you should cut me. Our authorities have and aradhana has not been matured yet. Abhi tak wo pura nahi hua hai. Isliye kripa karke hame mat katwaiye. Dekho je Radha Kund, main yahan par Raghunath Das Goswami ji rehne wale aur unko Arjun Bhim Nakul aur Yudhishthir aur Draupadi ji unse prarthana kar rahi hai. वो पेड़ होकर के यहाँ पर भजन करने के लिए आ रहा है। कृष्ण के साथ में द्वारका हस्तिनापुर में रहे, किंतु उन लोगों को ये चीज नहीं मिला ब्रज का भाव, इसलिए राधा कुंड सर्वोत्तम स्थान आकर के वो आराधना कर रहे हैं कि राधा जी के चरण की धूलि की कुछ भी प्रकाश से आ जाए, जो हमारे सर में ललता हो गया कृष्ण का मैं आराधा कुंड जी के मैं भजन कर सकता। पांडवन वह इन दिशे पर worshipping Krishna for 1,000 years. They told to Raghunath Goswami, pray that don't cut me. Don't try to make Krishna Kundam in rectangular way. Let it be crooked because Krishna is crooked. His everything, his mother is crooked, his panchi is crooked, his lakuti is crooked, his eyes are crooked, his thing is crooked, everything is crooked, how you can make it rectangular? आप कैसे बना सकते हैं? इसलिए हमको मत कीजिए, हमारी भजन में बाधा मत दें। हम लोग यहाँ राधा जी की कृपा पाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर भजन कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी and ordered that one to the laborers
that don't touch anything here and don't touch. किसी को अभी यार तुम लोग काटना मत, ये जैसा है कृष्ण कुंड वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार से आदेश देने के बाद में वो काटना बंद कर दिया और जैसे थे टेढ़े मेढ़े वैसे ही उनको उसी प्रकार से बनाया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ये कृत्य। एक समय जबकि कुंड नहीं था, खेत था, उस समय अकबर की सेनाएं आ रही थी इधर से, जा रही थी आगरा में, दिल्ली से आगरा। घोड़े प्यासे थे, हाथी प्यासे थे, लाखों लाखों सेनाएं प्यासी थी। When Akbar from Delhi was coming to Agra, in the way he was so thirsty, his horses and elephants and all were so thirsty. They were searching water, bare water, bare water. They came to Raghunath Das Goswami. वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में है, हमारे घोड़े हाथी और जितने सेनाएं कहां से पानी पिएंगे, मर रहे हैं, कोई स्थान बतलाइए। कहा जैसे वो गौरी खेत या कृष्ण खेत है, उसमें जाकर के घोड़ों को पानी पिलाओ। उसमें पानी है ही नहीं है, देयर इज नो वाटर इन दैट, हाउ वी कैन ड्रिंक वाटर। जाओ तो देखो तो सारे घोड़े को पानी पिलाया, हाथियों को पानी पिलाया, सब सेनाओं ने पानी पिया, किंतु पानी जैसा का तैसा ही रह गया। दे लेफ्ट देयर एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड एवरीथिंग to take water and they began to drink water, but our water as beautiful, so sweet and never can late come nahi pada jaisa kehta tha wo ek baar usko dekh kar ke akbar natmastak ho gaya। isi tarah se inki aankhein hain माया में, वो लोग इस धाम को नहीं देख सकते हैं, माया अपनी आंख हटाने के बाद में सब देख सकते हैं। जब रूप गोस्वामी जी अंतर ध्यान हो गए, जब सनातन गोस्वामी अंतर ध्यान हो गए, वह रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी जी अपीयर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड वेंट इंटर देयर अप्रापित गोलोक वृंदावन धाम। देन ही बिगन टू फिर सो मच सेपरेशन, हमें आतुर हो गए। उस समय उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है यहाँ गोस्तम सुन जाए थे वहां गोस्तम गिरंदम अजगर आये थे जबकि हमारा प्राणी चले गए, हमारे रूप गोस्वामी चले गए, जिनके भरोसे पर मेरा जीवन था। महाप्रभु जाने के बाद में मैं रो रहा था, उनको सांत्वना दी, वो रूप गोस्वामी में गए। तब ये कुंड व्याघ्र के समान, गिरिराज अजगर के समान और गोस्त शून्य के समान दिखने लगे। एंड वैसे लाइक एट वन इस तरह से यहां रहते थे। वल्ली टेकिंग वल्ली इज पटनली नथिंग एल्स इन होल लैंड डे सो वे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी अल्सो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऑल यू टू कम हियर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज रिटन चैतन्य चैतामृत बीइंग हियर, यही पर उन्होंने चैतन्य चैतामृत को लिखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर केम टू दिस प्लेस एंड रोट हिज ऑल बुक्स हियर एंड इन वृंदावन। We should try to go deep in all these things. Our sadhana bhajan is there. So we are praying in the lotus feet of Raghunath Das Goswami, Rup Goswami ke hum log, Rup Goswami ke charan mein hum prarthana karte hain ki unki kripa hamare upar mein ho. Raghunath Das Goswami kahte hain, tabai vasmi, na jivami tvaya bina, iti vijnaya radhe, tam nay mam charanam. आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित का वो मैं गमित आगे शांत तमी त्वंचे कृपा मई विधास्य प्राण प्रजेत परो बकार ओ राज के ये भी बात नट मत से कुछ तुम्हें आई डोंट वांट टू मर्सी ऑफ कृष्ण इवन कृष्ण आई डोंट वांट टू बी इन दिस एनीथिंग आई गिव अप माई मैं प्राण मैं अपने प्राण को देता हूं। पादाब जयो तो बिना बरदास्त नेवा नानक कला समय एक जदे विचाचे सखाय दे मनो नमस्त नमस्त नित्यम दाशाय दे मम
स्वरूप परमनाथ दास गोस्वामी ने रिटन ए फास्ट ऑफ वैष्णव साहित्य इन देयर बुक्स यू नो दैट मन शिक्षा इज द टीचिंग ऑफ रघुनाथ दास आल्सो ही मेड वन बुक आल्सो डन डन देयर कॉम्पिटी चिंता स्वरूप गोस्वामी हैज फर्स्ट रीडिंग एंड ही देन हम लोग बड़े धन सौभाग्यवान होंगे यदि उसका छीटा टूटा हमारे ऊपर में पड़ जाता है हमारे धन धन्य हो जाएगा So, pray Rupa and Raghunath here and Radhakund. We go to Radhakund and we will take bath there and we pray for the mercy of God to go to Radha and Krishna. We will take both of them and pronounce them. We will go. But now, Pujya Pārta Vikram Maharaj is here. We will have a lot of time. We will have a lot of time. So, we will come here. Raghunath Goswami ki unki samadhi ki संकीर्तन की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की